नवीन जी महाराज। इस समय हमारे साथ है पीताम्बरा पीठ के नवीन सिंह महाराज। सर टेनियत में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? ग्रेटर नोएडा में इतना भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पे पधारने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में सर? देखिए, कहने के लिए मेरे पास अगर शब्दकोश को अगर वो करें तो मेरे पास शब्दों की वो कम पड़ जाएंगे। मैं इस महिमा को बताऊँ, सबसे पहले आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस गौतम बुद्ध नगर की धरा पर विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। विश्व रिकॉर्ड किस चीज़ का? इतने बड़े पंडाल का, क्योंकि आज पूरे विश्व में इतना बड़ा पंडाल नहीं बना। जो रिकॉर्ड 2022 में था, जब कोरोना काल में चाइना के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया था तो वो 127 बाई 750 फीट था, ये 400 बाई 1000 फीट है। तो ये यहाँ के आयोजकों की और यहाँ के जो जनता जनार्दन की, यहाँ के भक्तों की, श्रद्धालुओं की, ये उन्हीं के मेहनत का नतीजा है, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग है, सभी का अपना अपना योगदान है। देखिए, दान श्रमदान भी होता है और धन का भी दान होता है, और श्रमदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पक्ष होता है। ये जितने भी यहाँ पे हम इनको धर्म योद्धा बोलते हैं, हमारे उसमें हम इनको लेबर नहीं बोलते, मगर क्या होता है कि हम इन धर्म योद्धाओं को भी काफ़ी मतलब साधुवाद और आशीर्वाद देते हैं कि ये समय से परिस्थितियों को विपरीत परिस्थितियाँ, मौसम की परिस्थितियाँ हमारे विपरीत रहीं, फिर भी ये समय से हम इसको पूर्ण कर सके। अब रही बात, हम बात करें कथा पे, तो देखिए कथाएं तो अभी दिल्ली में भी चल रही हैं, और पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमें यहाँ पे संरक्षक, इस कथा का संरक्षक होने का जो हमें आदेश हुआ, तो हमारी ही देखरेख में ये है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, और हमने अपनी तरफ से कोई भी गलती, कोई भी ऐसी कोताही बरतने की ये नहीं है कि कोई कमी रहे। फिर भी अगर कोई कमी रहेंगे तो हम जनता से, श्रद्धालुओं से और सभी सबसे हम क्षमा चाहेंगे, और जो भी कुछ कमियाँ हैं उनको समय रहते पूरी करेंगे। अब इसमें विशेष क्या होने जा रहा है, 14 तारीख को यहाँ पर जो है अपने देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से जो संत संत पीठाधीश्वर काफ़ी जो चर्चित नाम है, क्योंकि यहाँ पर अपने अनुरुद्धाचार्य जी, उनकी सहमति हमें मिल चुकी है, इंद्रेश उपाध्याय जी, और संतों की हम बात करें तो फूलडोल बाबा, काफ़ी द्वाराचार्य पीठाधीश्वर वो हमें मिल चुकी है, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाश्री जो अपने रविंद्रपुरी जी महाराज उनकी, और आपके दाती जी महाराज जो सनीधाम से हैं, तो सबके यहाँ से है। तो उसका उद्देश्य यह है कि संत समागम का यहाँ से एक सनातन और अखंड भारत की यहाँ से जो है हम यहाँ से उसको उद्घोष करेंगे। उस दिन सभी संतों के साथ एक ध्वज लहराया जाएगा, और उसके साथ में बागेश्वर जो पीठाधीश्वर हैं वो भी हमारे साथ होंगे। देखिए, जो पीठाधीश्वर की आप बात कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जी। जो सनातन धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाने की बात करते हैं, अपने कथाओं के जरिए उसका भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कितना कारगर वो साबित हो रहा है आज की तारीख में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए प्रचार प्रसार तो हम नहीं कहेंगे, सबसे पहले तो देखिए हम लोग तो धर्म का प्रचार, हम तो आप लोगों को असली उद्देश्य जो है कि हमें सनातनी होने का गर्व होना चाहिए। हम तो देखिए, ये तो हमारी परंपरा बहुत ही युगांतर से चली आ रही है, जब साधु और ऋषि मुनि और ये सब रहे हैं तभी ये सृष्टि, ये जो है धरा बची हुई है। अब आप लोगों को सोचना है, आप आज युवा सब, आज भारत जो है सबसे युवाओं का देश है, इन युवाओं को सोचना होगा कि हम आधुनिकता के उस परिवेश में ज़्यादा ना जाएं। मैं किसी आधुनिकता का विरोध नहीं करता, मगर उसकी अधिकता अगर आप जीवन में रखेंगे तो आप संस्कारहीन हो जाएंगे, आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है, खुद को समझो कि हम किस धर्म से, किस उससे हम हैं। तो सनातन ही होना, सनातन में तो यही है कि इंसानियत, आत्मता और मानवता होनी चाहिए, वेशभूषा पे हमारा, खान पीन पे हमारा होना चाहिए। मगर आज इस आधुनिकता ने कम से कम जो है सबका जो ये जीवन है, चाहे वो कोई भी है, मैं तो ये मान के, मैं तो बुजुर्ग भी, आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये इसका आप ज़्यादा उम्मत करिएगा, कि हमारा देश को वो अंग्रेज जब उन्होंने यहाँ पे राज किया इतना नुकसान नहीं दे पाए, जो आज दो अंग्रेजों ने इस देश को नुकसान दिया है, वो दो अंग्रेज जिसने फेसबुक बनाया, जिसने आज ये मोबाइल में जो ये जो आप दुनिया भर के वो कर रहे हैं, आप अपने जीवन के समय को उस मोबाइल में घुसा दिए हो, ना आपको रिश्तों की या उसके, तो मैं सनातन की क्या बात करूँ? क्या आप लोगों को सनातनी होने का, आपको जब आप जाओगे यहाँ से तब पता लगता है कि यार ये समय कम रहा, इसको और जी जाता, क्योंकि बच्चा सबसे बड़ी बात है कि जो हमें सांसें मिली ना, गिनती की मिली है,
इनको समझो, अपने आप को समझो। अब जब आप अपना माइलस्टोन तय कर लोगे, आपको अपना लास्ट स्टेशन पता हो जाएगा, तब आप, मैं मानता हूँ कि हमें ये प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सनातनी हैं, ठीक है ना, तो जीवन किस लिए हुआ है। तो मेरी यही वो है। और आप जो प्रचार प्रसार की बात है, अब इससे हमें फायदा क्या है कि भाई बच्चों में संस्कार हो, सब बच्चों में सभ्यता हो, क्योंकि ऋषि मुनि हमारी भी गुरु शिष्य परंपरा है, हम भी गुरु किसी गुरु के चेला हैं, तो उन्होंने भी यही करिया और ये हमारी युग युगांतर चली हुई आ रही है। अभी हमारे साथ में हमारे शिष्य हैं, हम इनको भी ये करते हैं, देखिए इनका शरीर देखिए, ये पूरा ये सब अपना समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं, हमसे कुछ सीखते हैं। तो प्रचार प्रसार आज इस आधुनिकता के दौर में करना पड़ रहा है। बाकी आप सब कथा का आनंद ले रहे हैं, और मैं एक जरूर ये कहना चाहूँगा कि सब लोग व्यवस्थित होकर आए, सभ्यता से बैठें, सभ्यता से यहाँ पर कोई हुड़दंग कोई इस तरह का वो ना दिखाएं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मैं पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ, यह अर्थ की नगरी है या भाव की नगरी नहीं है। यहाँ पे अगर भाव पैदा होंगे तो मैं मान के जाऊँगा कि यहाँ की जो लाखों की भीड़ है, अगर मैं लाखों लोगों में उसमें से कुछ हज़ार लोगों को भी अगर मैं उन बदल पाया, तो मैं अपना को मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो। जी, सनातन धर्म रक्षक बागेश्वर धाम की जय।